तो अगर आप कुछ उन चंद लोगों में से एक है जिनका बचपन से सपना रहा है कि वो बड़े होकर ड्रोन पायलट बने, तो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले तो ये सवाल आएगा आपके मन में कि क्या हमको ड्रोन उड़ाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए? जी हाँ दोस्तों, चाहिए। और आने वाले टाइम में ये बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से लागू होने वाला है सबके ऊपर। अभी क्या है कि अभी हमारे कंट्री में जो ड्रोन के रूल हैं वो डेली नए रूल बन रहे हैं, नए चेंज हो रहे हैं, नया अपडेट आ रहा है, तो अभी कहीं पर भी कुछ डिफाइन नहीं है। अभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन एक बार जब ये रूल सारे डिफाइन हो जाएंगे और इम्प्लीमेंट हो जाएंगे उसके बाद ड्रोन बिना लाइसेंस के उड़ाना, मतलब अगर कोई व्यक्ति ड्रोन उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है और उसके पास पायलट का लाइसेंस नहीं है तो ये कम्प्लीटली इलीगल होगा, इस पर पेनल्टी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आज की डेट में अगर आप कार या बाइक चलाओ और आपके पास लाइसेंस ना हो। अब जैसे कि मैंने बोला कि ड्रोन के रूल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उनको समझना इतना आसान नहीं है, तो मैंने अपने एक जानने वाले की हेल्प ली है। प्रणब भाई पुणे बेस्ड हैं, इनका एक फ्लाइंग क्लब है, ये इसके डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ ये DGCA अप्रूव ड्रोन इंस्ट्रक्टर भी है। बोले तो ये वो हैं जो एक ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग देते हैं और इनकी ट्रेनिंग के बाद ही वो बंदा जाके प्रॉपर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑब्वियसली इनके पास मेरे से ज़्यादा जानकारी थी तो इन्होंने मेरी थोड़ी मदद करी। दोस्तों जो भी नैनो कैटेगरी की ड्रोन उड़ाते हैं उनको छोड़ के बाकी सबको ड्रोन लाइसेंस की ज़रूरत है। नैनो कैटेगरी की ड्रोन वो ड्रोन होती है जिनका वजन 250 ग्राम से कम होता है, यानी कि DJI की जो मैविक मिनी और DJI मिनी 2 जो नया वाला आया है, ये दोनों ड्रोनों को छोड़ के बाकी सारी ड्रोन्स के लिए आपको पायलट लाइसेंस की ज़रूरत है, जिसको ये लोग पायलट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर और 65 साल से कम होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। आपका जो एजुकेशन है वो मिनिमम 10th क्लास हाई स्कूल होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से होना चाहिए। एक DGCA का मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल एग्जाम है, आपको वो पास करना है और उसका सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आपको किसी भी DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से जाके प्रॉपर ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेनी होगी, जो कि 3 से 4 दिन का मॉड्यूल होता है और उसमें आपको सारी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग और लाइव प्रैक्टिस कराई जाती है, वो लेनी होगी। और उसको जब आप पास कर लेंगे तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको ये लाइसेंस लेने में। तो ये 4 की चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी अगर आप ड्रोन पायलट का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं। DGCA की एक लिस्ट है, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको दिख रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ड्रोन पायलट्स को ट्रेन नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो करते हैं, तो आपको यहाँ पे आके ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा आप गूगल में नॉर्मल सर्च भी मार सकते हैं कि DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट फॉर ड्रोन पायलट्स ट्रेनिंग, आपको लिस्ट मिल जाएगी। बस मेक श्योर करें कि जिस भी इंस्टीट्यूट को आप फाइनल कर रहे हैं आप एक बार उनको फ़ोन करके सही से पता करें कि वो DGCA अप्रूव सही में है कि नहीं है, फेक तो नहीं है, क्योंकि अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो फिर उनका सर्टिफिकेशन आपका लाइसेंस में हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। अब अगला सवाल आप लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि क्या ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए आपके पास अपना ड्रोन होना ज़रूरी है? अभी तक मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट देखे हैं उनके कोर्सेज देखे हैं और कई जगहों पे साफ साफ डिमेंशन करा हुआ है कि ऐसा नहीं है, बट हो सकता है कि आप जो इंस्टीट्यूट चुने वहाँ पे कुछ और हो, तो आप उनके रूल्स पढ़िएगा। एक बार जब आपने ये सारा क्राइटेरिया पूरा कर लिया तब आती है आपका एक्चुअल लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की बारी, और उस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए हमको इस वेबसाइट पर जाना होगा जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। और यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके एकदम नीचे आएंगे सबसे लास्ट में, लास्ट वाले पेज में, जहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि आई एम ए RPS रिमोट पायलट एंड हाउ डू आई गो अबाउट इट। अब अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं, तो स्टेप 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं जो मैंने अभी इस वीडियो में पीछे आपको बताई हैं। सो एनीवेज हम ये सब कर चुके हैं, अब ये जो नीचे नीला बटन है आप इसको दबाएंगे और यहाँ पे आप इंडियन पायलट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब जो पेज खुलेगा ये सिंपल है, आपको यहाँ पे नाम डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है और फ़ोन नंबर डालना है और एक पासवर्ड सेट करना है। इससे आगे के स्टेप्स करने के लिए एक OTP की ज़रूरत होती है, जो कि शायद तभी आता है जब रजिस्ट्रेशन खुले होते हैं, और अभी OTP नहीं आया तो इससे आगे के स्टेप्स अनफॉर्चुनेटली हम अभी नहीं देख पाएंगे।
वैसे तो ड्रोन पायलट का लाइसेंस अप्लाई करना थोड़ा सा हैसल लगता है हम लोगों को, लेकिन इसके कुछ फायदे भी है गाइस। पहला फायदा तो ये है कि आपकी चिंताएं सारी खत्म, अगर एक बार आपको पायलट का लाइसेंस मिल गया तो मतलब बिल्कुल आप ऑफिशियल पायलट हो। दूसरा एक और फायदा ये भी है कि जैसे ही आप पायलट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और आपका अप्रूव होता है तो आप गवर्नमेंट के डेटाबेस में आ जाते हैं एज अ रजिस्टर्ड ड्रोन पायलट। उसमें क्या होता है कि कई बार अगर किसी को ड्रोन पायलट की जरूरत है रजिस्टर्ड ड्रोन पायलट की, तो वो उसी पूल में से बंदों को अप्रोच करेगा, तो एक तरीके से आपको इसमें से कुछ कमाने का जरिया भी मिल सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि ये रूल कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, हर दिन कुछ नया अपडेट आता है, कुछ नया ऐड हो जाता है, तो हो सकता है कि आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक हफ्ते बाद वो उसमें से कुछ पॉइंट इररिलेवेंट हो जाए। तो अगर आपको ऐसा कुछ समझ में आता है या कुछ दिखाई देता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ और मैं उन चीज़ों का ध्यान रख सकूँ। बाकी आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे और मैं जल्दी आपको अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक आप इन्जॉय करिए। आई विल सी यू सून। बाय बाय।